नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी एवं अधिवक्ताओं से मिली जानकारी, नाम न छापने की शर्त पर त्योथर तहसील कार्यालय में पदस्थ रीडरों की मनमानी चरम पर है। बिना किसी भय के पीठासीन अधिकारी के सामने ही धन उगाही करते हैं, चाहे SDM कोर्ट का मामला हो या तहसीलदार के कार्यालय का मामला हो। जो भी रीडर जिस सर्किल में पदस्थ है, उन सर्किलों की अधिकतर फाइलें गुम है, जो वर्षों से लंबित पड़ी है। फाइल ढूंढने के नाम पर बिना पैसे लिए फाइल नहीं मिल पा रहा है। चाहे चाकघाट सर्किल, सोहागी गढ़ी, रायपुर, सोनौरी या गिर्द हो, सभी सर्किलों के रीडरों का यही हाल है। त्योथर तहसील में राजस्व महाभियान मात्र दिखावा साबित हो रहा है। अविवादित बंटवारा वारिसाना नामांतरण का प्रकरण जो पूर्व से न्यायालय में दायर है, उनका निराकरण रीडरों की उदासीनता के कारण नहीं हो पा रहा है। जब काश्तकार तहसील में आते हैं तो रीडरों द्वारा फाइल गुम होने की बात कहकर वापस कर देते हैं। जब किसान तहसील का चक्कर काटते थक जाते हैं तो बाबुओं को पैसा देकर फाइल ढूंढवानी पड़ती है। पैसा मिलने के बाद फाइल आसानी से मिल भी जाती है। जो भी फाइल न्यायालय में दायर होती है, वह कहीं पर दर्ज भी नहीं होती है, जिससे फाइलों के गुम होने की बात सामने आती है। जिसको दर्ज किया जाना चाहिए, जो मामले हैं उनमें प्रमुख है राम गुलाम तिवारी बनाम कमलाकर पुरवा मझिगवा बंटवारा 1 फरवरी 2022 से राम खेलावन यादव बनाम श्याम लाल महेवा शंकरपुर वारिसाना 25 जनवरी 2022 से परदेशी बनाम भाइया लाल बंटवारा भुवनेश्वर यादव बनाम राजपाल शंकरपुर बंटवारा 12 दिसंबर 2022 से प्रदीप बगैरा बनाम रामलाल शंकरपुर बंटवारा 14 नवंबर 2022 से रवि सिंह सूरजकली बड़ागांव बंटवारा रामचंद्र बनाम कमलेश रायपुर सोनौरी बंटवारा 10 नवंबर 2022 से राममूरत यादव घटेहा सर्किल गढ़ी बनाम कृष्णावतार रजिस्ट्री नामाकरण फाइल गुम है, जो 14 दिसंबर 2023 को फाइल न्यायालय में दायर की गई। वहीं राम खेलावन खटिक बनाम राजेंद्र बगैरा राजापुर बंटवारा, जो 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। राजस्व महाभियान केवल दिखवा साबित हो रहा है। सोहागी सर्किल में पदस्थ बाबू अमरेंद्र मिश्र द्वारा खुलेआम फाइल ढूंढने एवं कार्य करने के एवज में किसानों से धन की कराते हैं मांग और ऊंची पकड़ की देते हैं। धौस जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। ग्रामीण जनों एवं अधिवक्ताओं को भी गुमराह किया जा रहा है, किंतु देखने वाली बात होगी कि ऐसे लापरवाह रीडरों के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा। गुम हो रही फाइलें क्यों गुम हो रही है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। फाइलें दर्ज होगी भी या नहीं, यह तो वक्त ही तय करेगा। किसान पस्त है, बाबू मस्त है। आपकी खबर हमारी नज़र, आपकी खबर हमारी नज़र। हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट।